तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं हिमलैंड्स के एंड गेम वाले एपिसोड के बारे में। तो अभी आप लोगों ने जो क्लिप देखा उसके अंदर हमें जो होगालाला का एविलनेस देखने को मिला कि होगालाला जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, इस चीज़ हमें देखने को मिला। और ये देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि किलविज जो है होगालाला के अंदर जा चुका है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और किस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उधर पे गेमिंग वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ तो उसका काम चालू है, तो प्लीज़ जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाकर कर देना, 1K जल्दी से करवा दो। फिर उसमें स्पेशल वीडियो आने वाला है, जो पहली वीडियो आने वाली है एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग, मैंने बोला था पिछली वीडियो में बोला था कि आप लोग कमेंट करना जो भी क्वेश्चन और डाउट वगैरह होंगे और थ्योरीज भी कमेंट करना, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किया, तो आज हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे और काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा उसको भी देखेंगे, तो वीडियो में मज़ा आएगा, पूरा एंड तक देखना। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं किंग ओडिन के बारे में। किंग ओडिन ने, आप लोगों को पता होगा, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला किंग ओडिन के द्वारा, तो उसके बारे में बातें करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोग क्लिप दिखाना चाहता हूं, तो पहले क्लिप देखो फिर हम लोग उसके बारे में बातें करेंगे। तू पागल है क्या? मैं क्यों आऊंगा तेरे साथ, तुझे पता है? इसका कुछ भी मत सुनो, ये साला हम लोगों को भड़का रहा था, आपको भी भला कुछ लग रहा था, सब प्लानिंग इसका। नीचे लिख रहा है कि भाई तू अगर मेरी टीम में नहीं आएगा तो तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अरे चल रे, तू एक सेकंड रुक रुक जा। किंग ओडिन भाई, मैंने आप पे इतना विश्वास किया और आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरे साथ आपने विश्वासघात किया? मैं आपको इतना मानता था, अपने दोस्तों से लड़ता था मैं आपकी इमेज के लिए, और आपने मेरे साथ ऐसा किया? ये दिख रहा सामने जिसके साथ आप काम कर रहे थे, द मोस्ट पावरफुल एंटिटी जिसके ऊपर दाइमा का बिछवाड़ा था अभी मुंह पे, ये हमने मारा है मिलके। तो इसका मतलब ये है कि जब स्मार्टी एसडीओ और ड्रीमर ट्रायो साथ में आता ना हिमलैंड्स का, तो कोई हमें टच ही नहीं कर सकता है, और तू तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ अस, समझा? ये ट्रायो को छोड़ के मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तू तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तेरी यही इच्छा है तो भुगत ले। क्या अंजाम भुगतो? तुझे पता है ना अभी तू यहाँ पर कहाँ खड़ा है? स्मार्टी एसजीओ ड्रीम आस पास ही खड़े तेरे, तेरे साथ अभी कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तू अभी बस इसके आगे हम लोग के पास काफ़ी सारे क्वेश्चन उठते हैं कि अब स्मार्टी भाई और क्या एजी भाई दोनों मर जाने वाले हैं? क्या मरेंगे तो कहाँ पर स्पॉन होंगे? आखिरकार यहाँ पर इन लोगों के साथ हुआ क्या था? तो देखो ये सब कुछ हम लोग एक एक करके बातें करते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मरने की बात, मुझे नहीं लगता कि इसे दोनों मरेंगे, भले ही किंग ओडिन ने कहीं पर उन लोग को ट्रैप किया होगा या फिर कहीं पर टेलीपोर्ट वगैरह कर दिया होगा, पर मेरे ख्याल से लगता है कि उसे कहीं दूसरे ही वर्ल्ड में भेज दिया होगा स्मार्टी भाई और रेजियो भाई को। जिस तरीके से हुआ था ना पहले, जब स्मार्टी भाई दूसरे वर्ल्ड में चले गए थे जैसे फारलैंड के अंदर स्पॉन हुए थे, उसी तरीके से मुझे लगता है सीजन 6 के अंदर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि स्मार्टी भाई बहुत ही दूर, शायद हिमलैंड से बहुत ही दूर स्पॉन होंगे। अब आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि किंग ओडिन के पास ये वाली पावर आई कहाँ से? तो देखो कि मुझे लगता है कि किंग ओडिन भी शायद तक हो सकता है जो किलविज के अंडर काम करता होगा, और शायद तक उसी से ही मुझे लगता है कि किंग ओडिन वहाँ से उसी से ही मतलब ये पावर्स वगैरह को सीखा होगा, क्योंकि आपको पता होगा नॉर्मल प्लेयर के पास ऐसी पावर्स बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि देखा होगा कि पूरा चंक को एक मतलब पूरा चंक को ही वहाँ पर ख़त्म कर दिया था। और काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये था क्या सीजन 6 के अंदर कि किंग ओडिन ही क्या मेन विलन होने वाला है, तो काफ़ी सारे लोग यही मुझे कमेंट करके बोल रहे थे, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि अभी लैंड में ऐसा ही देखने को मिला कि किंग ओडिन के पास काफ़ी ओवर पावर आ चुका है, तो हो सकता है कि किंग ओडिन ही हमें नेक्स्ट विलन देखने को मिल सकता है सीजन 6 के अंदर। और उसके साथ काफ़ी सारे ये बंदे ये भी बोल रहे थे कि होगालाला भी उसके साथ ही रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि होगालाला जो है काफ़ी ज़्यादा इविल हो चुका है। और आपको क्या कहना है इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर से बता देना। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो, अगर आप लोगों ने लाइक बटन नहीं दबाया तो क्या कर रहे हो, इस वीडियो को लाइक कर दो यार, फ्री का चीज़ है, और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो चलो आप लोगों ने जो जो थ्योरी बताई उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक बंदे ने कमेंट करके ये बोला है कि होगालाला और किंग ओडिन जो है मिलकर किलविज को रिस्पॉन्ड करेंगे। देखो वैसे ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी मुझे लगता है जो होगालाला है ना उसके दिमाग के अंदर अभी भी किलविज की मतलब है, क्योंकि आप लोग देखो किलविज के साथ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो हो सकता है कि वो होगालाला जो उसे रिस्पॉन्ड कर दे। अब होगालाला की बात आ ही रही है, तो मैं होगालाला के बारे में जो वीडियो की स्टार्टिंग में क्लिप बताई थी उसके बारे में बातें करते हैं। तो क्या गाइस होगालाला जो किलविज बन चुका है, अगर आप लोग एक बार और उस क्लिप को ध्यान से देखो ना, उसकी स्माइल को देखना ध्यान से, देखो गाइस देखने के बाद बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जो किलविज है ना उसकी सारी मतलब किलविज पूरी तरीके से होगालाला के अंदर आ चुका है, ऐसा लग रहा है देखने में।
और आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर से बता देना। मुझे तो भी ऐसा ही लगता है कि जो होगा लड़ा वो किलविस बन चुका है, तब किलविस के पूरे आत्मा इसके अंदर आ चुका है। तो चलो कोई अब हम लोग बात करते हैं किलविस के बारे में कि आप लोगों ने देखा होगा किलविस के पास एक नया पावर देखने को मिला, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्मार्टी वगैरह थर्ड आई था ना उसी तरीके से उसके पास भी एक रेड जेम था। तो आखिरकार मतलब उसकी मदद से वो करना क्या चाहता था उसके बारे में बातें करते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस क्लिप में देख ही पा रहे हो कि वहाँ पर देख सकते हो ग्रीन जैम वाला पावर को एक्टिवेट करता है, तो उसके बाद इसके पास शायद पावर थोड़ी बहुत बढ़ जाता है। और काफ़ी सारे लोग इस ग्रीन जैम के ऊपर कमेंट करके ये बोल रहे थे कि होगा लाला के बॉडी के अंदर इसी ग्रीन जैम के अंदर से मतलब गया उसके अंदर, तो हो भी सकता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पास पावर्स तो मतलब थोड़ी बढ़ी थी, पर मुझे लगता है कि उस ग्रीन जेम का यूज़ कुछ अलग ही तरीके से इसने किया था। तो हो सकता है कि होगा लाला के मतलब कि जो भी मेमोरी था उसको फिर से मतलब इरेज कर दिया होगा और उसको फिर से एविल बना दिया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसी के बॉडी के अंदर जाने के लिए इस ग्रीन जेम का यूज़ किया होगा। पर गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को देखा होगा कि जो किलविसर किसी के भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था मैं किसी की बॉडी के रूप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस ग्रीन जेम का यूज़ करके शायद वो बॉडी वगैरह भी ट्रांसपोर्ट भी हो सकता था, ट्रांसफॉर्म वगैरह हो सकता था। तो मुझे लगता है कि होगा लाला के बॉडी के अंदर जाने के लिए उसका यूज़ किया ही होगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर एक भाई ने पूछा है कि कहाँ मतलब होगा लाला और जो डेविल्स है वो कहाँ पर है। देखो कोई समय शायद तक अभी हिमलैंड सीजन 5 में उन दोनों तीनों के चारों के बारे में देखने को मिला ही नहीं, मतलब कि हमें काफ़ी कम बार उन लोग को दिखाया गया सीजन 5 के अंदर, कि मैं तो खुद भूल चुका हूँ कि कब हमें लास्ट टाइम दिखाया गया था। और आई नो आप लोग भी भूल ही गए होंगे कि कब हमें उन लोग को ग्रीन डेविल वगैरह को दिखाया गया था। देखो जो हुला लाला के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि हुला लाला के मतलब पावर्स जो पूरी तरीके से कम हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से उसके पावर को निकाल ही दिया गया है। आप लोगों ने ये चीज़ देखने को मिला ही था जब स्मार्टी भाई उन्होंने किया था। तो सो इसीलिए हो सकता है कि उसको पावर मतलब कि वो मरे ना, इसके लिए उधर उसके दाई माने कहीं पर उसे छुपा दिया होगा। और ग्रीन डेविल और उन परपी वगैरह की बात करते हैं तो मुझे लगता है ग्रीन डेविल जो है मर चुका है। हमने एक चीज़ में सीन में देखने को मिला था कि ग्रीन जो डेविल जो है मर चुका था। और बाकी दो के बारे में मुझे भी नहीं पता है कहाँ पर है। तो अगर आपको पता होगा हमें लास्ट टाइम कब देखने को मिला था तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर से मुझे बता देना। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये भाई ने पूछा है कि स्मार्टी भाई के साथ जब नीचे गिरते हैं तो दाईमा और रेजू भाई भी उनके साथ गिर के मर गए क्या। देखो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि ड्रीम बॉय साफ साफ बोलता है कि मैं अकेले हो चुका हूँ, सारे लोग चले गए। तो हो सकता है कि शायद तीनों लोग ही उधर पे गिर गए। और मरने की बात रहे तो मुझे नहीं लगता कि उन लोग मरेंगे, तो कहीं पर तो स्पॉन होंगे ही, पर हिमलैंड तो वही मेन कैरेक्टर है तो वो तो मरने वाले हैं नहीं, मरेंगे तो कहीं पर रिस्पॉन हो ही जाएंगे। क्योंकि आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलता हूँ कहीं आप लोगों के साथ वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।